अजय देवगन के फिल्मों और एक्टिंग पे शक नहीं है। शक तो अक्षय कुमार के फिल्मों और एक्टिंग पे भी नहीं है, फिर भी अक्षय कुमार का दिन काफी खराब चल रहा है। अब अक्षय कुमार के जैसा हाल होने वाला अजय देवगन का, क्योंकि अजय देवगन भी अब अक्षय कुमार के नक्शे कदम पे चलने लगे हैं। क्योंकि अक्षय कुमार साल में 5 से 7 फिल्म रिलीज करते हैं और पांचों फिल्म फ्लॉप हो जाती है। आपको पता ही होगा अक्षय कुमार की जो भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे आती है बुरी तरह से फ्लॉप जाती है। अब अजय देवगन भी अक्षय कुमार के तरह साल में 5 नहीं 6 फिल्म रिलीज करने वाले हैं। वहीं 2024 में अजय देवगन अपनी 2 फिल्म रिलीज कर चुके हैं। पहला तो शैतान जो कि सुपरहिट साबित हुआ, वहीं दूसरा फिल्म मैदान आई जो कि कई बार पोस्टपोन हुआ था, फिर भी ये फिल्म अच्छी थी, बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। क्योंकि अक्षय कुमार के जैसा हाल होने वाला अजय देवगन का, अक्षय कुमार साल में 5 फिल्म रिलीज करते हैं और पांचों फिल्म, कोई भी ऐसा फैंस नहीं है जो कि पांचों फिल्म जाके सिनेमाघर में देखे अपने स्टार को। क्योंकि पांचों फिल्म उस तरह का नहीं होती कि हॉल में जाके देखे, सब ओटीटी का इंतजार करते हैं। अभी ओटीटी का जमाना आ चुका है। उसी तरह अजय देवगन अपनी शैतान फिल्म को 1 महीना पहले दिखाया हॉल में, अब सोच रहा कि मैदान भी जाके उसका फैंस देखे। तो इतना पॉसिबल नहीं कि सब काम छोड़ के मैदान फिल्म को हॉल में जाके देखे, अजय देवगन की फिल्म को हॉल में जाके देखे। इसीलिए अजय देवगन को अब सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अक्षय कुमार का हाल देख सकते हैं, वह 5 फिल्म रिलीज करते हैं या 6 फिल्म, सब फ्लॉप हो जाती है। वहीं पर अजय देवगन भी अभी भी 2024 में 4 और फिल्म रिलीज करने वाले हैं। वैसे अजय देवगन के हाथ में अभी 10 फिल्म है, वह भी लगातार रिलीज होते जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अक्षय कुमार से भी बुरा हाल होने वाला है अजय देवगन का। वैसे अजय देवगन के एक्टिंग पर कोई शक नहीं, वो अपना एक्टिंग आंख से एक्टिंग करते हैं, उसका एक्सप्रेशन तो अलग दुनिया में, वो किसी को भी फैन बना सकते हैं। फिर भी अजय देवगन की अभी एक्शन अवतार में लोग देखना पसंद करते हैं। अभी की फिल्में जो होती है एक्शन फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन करती है, और अजय देवगन अभी फैमिली ड्रामा फिल्म को ही बनाते हैं, उतना एक्शन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। वैसे अजय देवगन की आने वाली फिल्म जो होने वाली वो हर कैटेगरी होने वाली है। पहला फिल्म जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है वह है सिंघम का सिक्वल सिंघम 3। सिंघम 3 तो आपको पता ही होगा बॉलीवुड की 2024 की लास्ट उम्मीद है, क्योंकि बॉलीवुड की 2024 में कोई फिल्म चल नहीं रही है। वैसे भी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान का 2024 में कोई फिल्म नहीं आने वाला है, तो अजय देवगन भी लास्ट उम्मीद बचा हुआ है सिंघम 3 से। क्योंकि अक्षय कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ 350 करोड़ बजट में बना था, वह फिल्म लास्ट उम्मीद थी तो वह भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। अब अजय देवगन के हाथ में है सिंघम 3, देखते हैं सिंघम 3 क्या कर पाती है। क्योंकि सिंघम 3 को रोहित शेट्टी बना रहे और कॉप यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में आप देख सकते हैं स्टार कास्ट कितना तगड़ा है, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर जैसे स्टार कास्ट है। जैकी श्रॉफ मेन विलन है, अर्जुन कपूर जैसे स्टार इसमें विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, और फिल्म का बजट है 250 करोड़ का। और ये फिल्म दिवाली या दशहरा के समय पर रिलीज होगी, तो मतलब फिल्म को काफ़ी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। और ये फिल्म अगर नहीं चली तो बॉलीवुड का डूबना तय है, आप देखते हैं क्या होता है। और वहीं पर अजय देवगन की दूसरी फिल्म आने वाली है रेड मूवी का सीक्वल रेड 2, जो कि रेड फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। अब इसका सीक्वल आने वाला है रेड 2, जो कि 15 नवंबर को सिनेमाघर में रिलीज होगा। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ विलन के तौर पर रितेश देशमुख नजर आने वाले हैं, और लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले पार्ट में इलियाना डिक्रूजा नजर आई थी, वहीं दूसरे पार्ट में वाणी कपूर लीड रोल में नजर आने वाली है। और इस फिल्म में कैमियो करते नजर आएंगे साउथ सुपरस्टार रवि तेजा, जो कि एक इस फिल्म के अनाउंसमेंट के समय में रवि तेजा ने फोटो भी खिंचवाया था अजय देवगन के साथ। अब अजय देवगन के साथ इस फिल्म में कैमियो करेंगे या लीड रोल में अभी तक कन्फर्म नहीं है, लेकिन रवि तेजा इस फिल्म का हिस्सा होने वाले हैं। वहीं ये फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघर में रिलीज होगा। और तीसरा मूवी आने वाला है दे दे प्यार दे का सिक्वल दे दे प्यार दे 2, जो कि एक फैमिली लव स्टोरी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का पहले पार्ट में अजय देवगन के साथ लीड रोल में तब्बू और रकुल प्रीत सिंह नजर आए थे, जो कि एक सुपरहिट मूवी साबित हुआ था। अब इस फिल्म का सिक्वल भी अनाउंस हो गया है, इस फिल्म का शूटिंग भी कर चुके हैं अजय देवगन। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ फिर से रकुल प्रीत सिंह नजर आएगी, तब्बू नजर आएगी या नहीं ये अभी तक कन्फर्म नहीं है। ये फिल्म हमें 2024 में ही देखने को मिलेगा। और अजय देवगन की चौथा फिल्म आने वाला है जगन शक्ति के डायरेक्शन में बनने जा रही एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। जगन शक्ति डायरेक्टर वही है जो कि अक्षय कुमार की मिशन मंगल जैसी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं, और उसके बाद वह टाइगर श्रॉफ की स्क्रू ढीला जैसी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि फिल्म पोस्टपोन हो गई। अब जगन शक्ति अपनी एक्शन ड्रामा फिल्म को अजय देवगन को अप्रोच किया, अजय देवगन इस फिल्म की कहानी पसंद भी आई, अजय देवगन इस फिल्म को मना हाँ भी कर चुके हैं, वह इस फिल्म को जल्दी करते नजर आएंगे। ये फिल्म हमें 2025 में देखने को मिलेगा। उसके बाद अजय देवगन के हाथ में है धमाल मूवी का सीक्वल धमाल 4, जो कि धमाल 3 में अजय देवगन नजर आए थे, वह भी फिल्म सुपरहिट साबित हुआ था, धमाल 4 में नजर आएंगे। फिर गोलमाल का सीक्वल गोलमाल 5 में नजर आने वाले हैं, जो कि रोहित शेट्टी डायरेक्ट करने वाले हैं, और गोलमाल 5 इस बार सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है जिसमें स्टार कास्ट का तो भरमार नजर आएगा। फिर दृश्यम का सीक्वल दृश्यम 3 भी आने वाला है, क्योंकि दृश्यम और दृश्यम 2 जो कि दोनों ही फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। अब इस फिल्म का तीसरा पार्ट में काफी जोर शोर से काम चल रहा है। दृश्यम 3 साउथ में भी बनेगी और हिंदी में एक साथ ही बनेगी, जो कि साउथ में मोहनलाल लीड रोल में नजर आएंगे और दृश्यम 3 में अजय देवगन हिंदी में नजर आएंगे।
और अजय देवगन की शैतान फिल्म जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था, इसका सीक्वल भी बनने वाला शैतान 2, जो कि अजय देवगन की हर जो सक्सेसफुल मूवी होती है उसका सीक्वल जल्द ही अनाउंसमेंट हो जाता है। तो शैतान का भी सीक्वल का अनाउंसमेंट काम चल रहा है, इस पर जल्द ही बनेगा शैतान 2, जो कि इस फिल्म की कहानी पहले पार्ट से कोई लिंक नहीं होने वाला, अलग कहानी होने वाली है शैतान 2। और अजय देवगन के हाथ में एक और फिल्म है औरों में कहां दम था, ये एक फैमिली लव स्टोरी कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें अजय देवगन के साथ तब्बू नजर आने वाली है, और तब्बू के साथ ये 10वीं फिल्म होने वाली है अजय देवगन के साथ, और अजय देवगन का जोड़ी तब्बू के साथ काफी पसंद किया जाता है। ये दोनों जो भी फिल्म में नजर आते हैं वह फिल्म हिट साबित होती है। अब औरों में कहां दम आने वाला है जो कि एक कॉमेडी लव स्टोरी फिल्म होने वाली है, इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले नीरज पांडे, जो कि ये फिल्म हमें 5 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं अजय देवगन की कौन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कैसा कमाल कर पाती या नहीं, क्योंकि अजय देवगन के हाथ में भी बहुत सारी फिल्में और भी कई सारी फिल्में, ऐसा ना हो कि अजय देवगन का भी हाल अक्षय कुमार का जैसा ही हो। अक्षय कुमार को हम लोग भी दिल से पसंद करते हैं, उसका कमबैक का तो दुआ करते हैं कि जल्दी से कमबैक करे, भगवान से मना रहे हैं कि अक्षय कुमार कमबैक करे, क्योंकि अक्षय कुमार खराब एक्टर नहीं है, उसका एक्टिंग काफ़ी जबरदस्त है। 90 के दशक में उसकी हर फिल्म को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, उसकी फिल्म को देखने में मज़ा आता था, उतना कॉमेडी जोड़ना का फिल्म बनाया है, उसकी सारी फिल्में ही बेस्ट था अक्षय कुमार का। लेकिन अक्षय कुमार निराहार फिल्म फरवरी में कोई भी फिल्म का कैसा भी कहानी वो साइन कर लेते हैं अक्षय कुमार को अब सोच समझ की कहानी को चूज करना चाहिए, क्योंकि अभी 2024 में ऑडियंस का चॉइस काफ़ी बदल चुका है। आपके हिसाब से अक्षय कुमार कमबैक कर पाएंगे नहीं, और अजय देवगन का हाल अक्षय कुमार जैसा हो गया कि अजय देवगन अपना एक्टिंग के लेवल से सबका दिल जीत लेंगे, कमेंट बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।